जम्मू कश्मीर के राजौरी में एलओसी के पास बसे गांव में रहने वाले लोगों के लिए केंद्र सरकार ने बंकर बनाने शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान की तरफ से सीजफायर उल्लंघन के समय सीमा पर बसे गांव पर अक्सर खतरा मंडराता रहता है, इसलिए इन लोगों की सुरक्षा के लिए सरकार ने करीब 200 बंकर बनाने का फैसला किया और इलाके के लोगों ने भी बंकरों की खुदाई में हाथ बटाना शुरू कर दिया। हम तो बहुत शुक्रिया अदा करते हैं इस मोदी सरकार का कि इन्होंने बहुत अच्छा काम शुरू किया है बॉर्डर में। नहीं तो पहले तो हमारे इधर कोई काम नहीं ऐसा हुआ मोर्चों का या कोई पब्लिक का कोई। साथ ही लोगों ने बंकर बनाए जाने की पहल का स्वागत भी किया। हमारे लोगों को राहत मिलेगी और जैसे की फायरिंग होगी हम उसके बैंकर के बीच में आराम से परिवार को बैठा सकते हैं। लोगों ने उम्मीद जताई कि इन बंकरों की वजह से वो सीमा पार से होने वाली गोलीबारी से सुरक्षित रहेंगे। कर्नाटक में 2 निर्दलियों के समर्थन वापसी और 6 कांग्रेस विधायकों के बागी होने की खबर के बाद बेंगलुरु से दिल्ली तक सियासी घमासान तेज हो गया। इसी बीच यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता वहाँ सड़कों पर उतर आए और बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस बीच यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीएम के खिलाफ भी नारे लगाए। कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने बीजेपी पर कुमारस्वामी सरकार के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। खासकर बीजेपी सरकार, मोदी जी की सरकार एमएलए को तोड़ फोड़ के सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। हालांकि मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने फिर अपनी सरकार के सुरक्षित होने का दावा किया। सफिशियंट नंबर इज देयर विद मी, वी हैव टू ऑपरेट विद बीजेपी एमएलए, इट इज अंडर कंट्रोल, डोंट वरी। लेकिन आरोपों को नकारते हुए बीजेपी ने कर्नाटक की गठबंधन सरकार को ही अनैतिक बता दिया। अपने घर को नहीं संभाल सकी कांग्रेस और उसके लिए हमें क्यों दोष दे रहे हैं? हमारे विधायकों को खरीदने की इस प्रकार की खुले आम इस प्रकार के बयान दे रहे हैं, ये कांग्रेस की कल्चर को दिखाती है। वहीं कांग्रेस के करीबी एनसीपी ने कर्नाटक की मौजूदा सियासी हालात के लिए सीधे सीधे बीजेपी को जिम्मेदार माना। आज की परिस्थिति जो कर्नाटक में बनी है कि 2 इंडिपेंडेंट एमएलए को तोड़ दिया गया, जो सरकार को सपोर्ट कर रहे थे उन्हें वहाँ सरकार से सपोर्ट वापस ले, ये कौन कर सकता है? ये कांग्रेस या जेडीएस तो नहीं कर सकती, जाहिर है ये बीजेपी ने किया है काम। लेकिन बीजेपी के बचाव में उसकी सहयोगी जेडीयू उतर आई।